अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो फ़नी वीडियो नहीं है। मैं सोचा था आज सुबह के कोई फ़नी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब मैं आज सुबह उठा, मैंने देखा टीवी खोल के, तो टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि लाहौर के इलाके गुलबाग में आग लग गई है। ये आग वहीं पे लगी है जहाँ आपको सबको पता है, हाफिज सेंटर प्लाज़ा। ये दोस्तों बहुत बड़ा प्लाज़ा है, इधर मोबाइल्स बिकते हैं। सो दोस्तों, जो आग लगी है अभी तक जो न्यूज़ से आया है, हमें सारा बता रहे हैं न्यूज़ वाले, वो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। और ये आग इतनी फैली जा रही है जिसकी वजह से काले बादल बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आग फैली जा रही है, ये आग थर्ड फ्लोर में चली गई है, फोर्थ फ्लोर में चली गई, अल्लाह ना करे ये और बढ़े। रेस्क्यू की 12 गाड़ियाँ चली गई हैं इस आग को बुझाने के लिए। यह आग बहुत बड़ी आग है। अल्लाह का शुक्र है आज संडे था, तो कोई जानी नहीं नुकसान हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ जा रहा है। और इस आग का बढ़ने से 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, 100 करोड़ रुपये। सो दोस्तों, मेरी भी अल्लाह से ये दुआ है, आप भी अल्लाह से दुआ करें कि आग बुझी जाए। सारे लोग खड़े हुए हैं हाफिज प्लाजे के पास, जिनकी दुकानें थी उसके अंदर, सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि आग बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, पर आग है जो बढ़ी जा रही है। जब सेकंड फ्लोर में लगी थी ना आग, सब बता रहे थे कि 50 दुकानें नुकसान उठा चुकी हैं। 50 दुकानें दोस्तों, कितनी दुकानें और कितना पड़ा होगा उनके अंदर माल। फिर थर्ड में लगी है, फिर फोर्थ में लगी है, ऐसे करके वो बढ़ी जा रही है आग। अल्लाह हमें इतने बड़े नुकसान से बचाए, 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है दोस्तों इससे, 100 करोड़ का। बस अल्लाह हमें बचाए इस नुकसान से। अल्लाह से आप सब दुआ करें कि आग को ऊपर काबू पा लिया जाए, अल्लाह ही बस सब कुछ कर सकता है, अब अल्लाह के हाथ में सारा कुछ। बाकी रेस्क्यू टीम्स की बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए और ऊपर ना जाई जाए, पर प्लाजे की ऊंचाई की वजह से आग नहीं बुझ पा रही। और वक्त के गुजरते साथ ही आग और बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। सो दोस्तों, दुआएं करें।